अमरुद कौन नहीं खाना चाहता है, सभी खाते होंगे। इवन इसके फायदे के बारे में भी आपको पता होगा, आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होगी, इवन डॉक्टर भी इसको सलाह देते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से आपको इसके फायदे पता होते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन अमरूद के पत्तों के फायदे के बारे में हजारों में से कोई एक बंदा जानता है, इवन वो बंदा जानता है जो पहले के वैद्य होते हैं, जो आयुर्वेद के जानकार होते हैं, वो इनके पत्ते के फायदे के बारे में जानते हैं। आजकल की ये जानकारी हमारे भारत से बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको अमरूद के पत्ते का सेवन करने के इतने बेहतरीन फायदे बताएंगे। सबसे बड़ी बात, यह पौधा, यह इसका पेड़ हर जगह मिल जाएगा, हर गांव में मिल जाएगा, हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। ये बिल्कुल एक रुपये भी आपको खर्च नहीं करने हैं और इसे आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे जल्दी से इसके फायदे के बारे में बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा। दोस्तों, आपके एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है और हमें आपके लिए वीडियो बनाने का मन करने लगता है। दोस्तों, आपको 3 से 4 पत्ते लेने हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं और आपको लगभग 1 गिलास पानी में उसे उबालना है, उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालना है, जैसे आप चाय बनाते हैं। जब पानी आधा हो जाए, यानी कि आधा गिलास बचे, तो उसे आपको सुबह सुबह खाली पेट उसका सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैलेंस करने में, आपके वजन को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है, इस तरह से जब आप इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कब्ज़ की समस्या नहीं होने देगा, और जो दुबले पतले होंगे, जो एकदम बिल्कुल दुबले पतले होंगे, उनके वेट को बढ़ा करके, यानी कि मोटे के मोटापे को घटा के और दुबलेपन को बढ़ा के, यानी कि बैलेंस करता है, वेट को बैलेंस करता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, जिनके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, जिनके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है, जिनको जिनका चेहरा बिल्कुल लाइटन नहीं होता है, उनके लिए इनके पत्ते, जो अमृत के पत्ते होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त ग्लासिक ग्लो जिसको बोलते हैं, उनका वह आपके चेहरे में इसको आएगा, आपको सुबह काढ़ा बना के तो पीना ही पीना है। इसके साथ आपको 4-5 पत्तियां लेना है और उनको पीस करके उसका एक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से धो करके साफ करके एक पेस्ट बनाना है, और उसके बीच में 2 चम्मच हल्दी डालनी है, हल्दी बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, और 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है, इनका एक पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट का प्रयोग आपको अपने चेहरे पर उपटन की तरह इस्तेमाल करना है, और इसका पेस्ट अपने चेहरे पर लगा लेना है। 20 मिनट तक लगाने के बाद फिर उसे धो लेना है, आपको धोते समय हल्के हाथों से मसाज करनी है। धोने के लिए आपको सिर्फ ठंडे पानी का प्रयोग करना है, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है, कुछ भी फेस वाश उसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगेगा। आपके चेहरे से के अंदर से गंदगी निकालने से, ओपन पोर्स को बंद करने में यह तरीका काफ़ी कारगर होगा। दोस्तों, तो आपको काढ़े के साथ साथ इस दोनों का सेवन करना है। दोस्तों, आप ट्राई करके देखिए, इससे ज़बरदस्त, इससे गुड़कार कोई और पेस्ट हो ही नहीं सकता चेहरे के स्किन को चमक बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, एजिंग को दूर करने के लिए, लगता है हम समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो लटकने लगती है, उनको दूर करने के लिए इनकी पत्तियां, अमरूद की पत्तियां काफ़ी फायदेमंद होती है। दोस्तों, एंटी एजिंग का काम करती हैं इनकी पत्तियाँ, एंटी एजिंग गुण इसमें भरपूर होता है, इनके पत्तियों में, यानी कि आपके जो एज होता है उनको डिले कर देता है, यानी कि जल्दी से बुढ़ापा आने नहीं देता है। तो इसके लिए भी आपको इसकी पत्तियों का, जो हमने काढ़ा बताया ना, कि वही काढ़ा आपको इस्तेमाल करना है, आपको इसे एंटी एजिंग की तरह आपके काम करेगा, आपकी स्किन को, आपकी उम्र को यह रोकने से बचाएगा, जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, आपकी जो बाल होते हैं, जो आपके इसमें बाल सफ़ेद जाते हैं, बाल टूटने जाने लगते हैं, उनको भी यह रोक के रखना है, बुढ़ापे तक काला बनाए रखता है। दोस्तों, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की असमय सफ़ेद जो होते हैं उनको रोकने के लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 पत्तियां अमरूद की लेनी है, उसका पेस्ट बना लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच डालना है आंवला चूर्ण, और उसमें डालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको 1 चम्मच दही का इस्तेमाल करना है। इन सबको मिला करके और नहाने से 1 घंटे पहले अपने सिर में अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए। फिर मसाज करने के बाद फिर आपको नहाना है, कोई शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, आपको हफ्ते में इसका इस्तेमाल 2 बार करना है। अगले बेनिफिट के बारे में चलिए बात करते हैं। कई पुरुषों को यौन संबंधी समस्याएं होती हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको अंदरूनी कमजोरी है ना, तो आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 पत्ते लेने हैं, कोमल पत्ते लेने हैं, जो नए पत्ते होते हैं उनका प्रयोग करना है आपको, उनको अच्छी तरीके से पीस करके उसका पेस्ट बना लेना है,
और इसके अंदर एक से दो कली बड़े लहसुन की कली, जो बड़े लहसुन की, उनको भी चटनी बना लेना है, उनका पीस लेना है आपको। और इसके साथ आपको एक चम्मच शहद लेना है। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके आपको सुबह खाली पेट लेना है, और शाम को जब खाना खाएं तो उससे एक घंटा पहले, यानी कि शाम को भी खाली पेट आपको इसका इस्तेमाल करना है, रोज़ इस्तेमाल करना है। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको, इतने भयंकर तरीके से यह फ़ायदा आपको देगी कि आपने सोचा नहीं होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन